आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब जो सिर्फ ऑपोजिशन का खान साहब के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर उनका अपनी उस यूथ का, अपने उस सपोर्टर का होगा जिसको उन्होंने इतने इतने बड़े ख्वाब दिखाए हैं। और आने वाले दिनों में जो मदीने की रियासत ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी से कर्जा उतारने के लिए पैसे लिए थे, वो अभी से असद उमर साहब जो IMF की तरफ जा रहे हैं, तो मदीने की रियासत IMF की तरफ ऑलरेडी चल पड़ी है। उसके बाद इन्होंने शौकत खानम बेचा हुआ है बहुत ज्यादा, तो पूरे पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही फैसिलिटीज मिलेंगी हमें। और फिर निर्मल यूनिवर्सिटी बेची हुई है इन्होंने, तो एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइज, दो नहीं एक पाकिस्तान, और तालीम का निज़ाम एक जैसा होगा, पता नहीं ये प्राइवेटाइज करते हैं सारे मुल्क के स्कूलों को और कॉलेजेस को, के सारों को पब्लिक डोमेन में ले जाते हैं। फिर 1,000 अरब रुपए, सॉरी 7,000 अरब रुपए का उन्होंने टैक्स जमा करना है 2019 के जून तक, फिर जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करना है, फिर खान साहब बार बार वैसे खान साहब चाइना वाली स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, अगर चाइना वाली स्ट्रेटजी अपनाते तो कामयाबी के चांसेस, जनरल मुशर्रफ को उन्होंने फौरन गिरफ्तार करना है, और उसके बाद उन्होंने ये भी करना है कि जो हमारे इदारे हैं उनका ऑडिट भी इन्होंने करना है सरकार, जो कौमी असम्बली ने, और उसके बाद जो इनकी जो 50 लाख जो नौकरियां हैं, 25-12 लाख नहीं 50 लाख घर हैं, 12.5 लाख घर हर हर सूबे में देना है, 1 करोड़ नौकरी देनी है, 25-25 लाख हर सूबे में नौकरी देनी है, तो हमारे तो ख्वाहिश होगी पाकिस्तान इस तरह तरक्की करे। और पीपल्स पार्टी पूरा मौका देना चाहती है खान साहब को उनके एजेंडे के लिए, गो के पीपल्स पार्टी को कभी भी आज तक एक प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का पूरा नहीं टाइम पूरा कर सका। बीबी की भी दोनों दफा हुकूमत गिराई गई, और जब भी इलेक्शन हुए हमेशा धांधली के साथ ही हुए, वो असगर खान केस वाले हों या आरओ वाले हों या ये हों, तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत के साथ है। हम ये अगर हम वही स्ट्रेटजी अपनाते हैं जो मौलाना फजल मा या शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं, तो क्या होगा, हम जो है वो सिंध ब्लॉक करके बैठ जाएं, ये बलोचिस्तान ये KPK को ब्लॉक करके बैठ जाए, और ये जो बातें ये कर रहे हैं होगा क्या, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलने जा सकता है कि जिस तरह पहले जियाउल हक ने या मुशरफ ने या अयूब ने या याया ने किया, वो हरकत कोई बंदा कर सकता है। तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के सामने डेमोक्रेसी होती है, उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में अगर ये पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी तो तरक्की आगे नहीं हो सकती। जी मिस तंजिला, अगर मीर साहब ये बात करते हैं कि हमें ये वादा पूरा करना है, ये वादा, मीर साहब आप शायद भूल रहे हैं अपनी 5 साल हुकूमत में आप लोग बीबी के कातिल नहीं पकड़ सके, आप हमें हमारे वादे याद ना करवाएं, हमें अपने वादे याद ना दें। नहीं मीर साहब, नहीं भूल जाते, कोई वादा नहीं जी, कैसे भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, नहीं हम आपकी वाली जमहूरियत नहीं ना चलाते, हमें याद कर दिया कि हम याद रखते हैं, याद दिलाएं, इसका मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल एनी, दिस इज योर स्टैंड। देखिए देखिए मीर साहब, पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में जमानतें जब्त करा के अगर आप इस प्रोग्राम के 40 मिनट लेना चाहते हैं तो आपका हक नहीं बनता। मिस्टर बस करें, मिस्टर बस करें, चले बस करें, नहीं नहीं हमें अपने वादे याद हैं, आप अपने वादे याद करें। मैं यही कह रही थी मीर साहब, आप सिर्फ सिंध में दिए हुए वादे याद कराएं ना, रोटी कपड़ा और मकान आप सिंध तक तो डिलीवर करें, आप खुदा का खौफ करें, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें मीर साहब, बस कर दें ना। देखें अब फिर मैं वही कह रही हूँ कि पूरे पंजाब में जमानतें जब्त करा के आप चाहते हैं सबसे ज्यादा बोलने का मौका भी आपको दिया जाए। आज आप ये देखें डॉलर का रेट 2 दिन के अंदर किस तेजी से नीचे आया है आप सबके सामने, आपने देखा कि सोने का गोल्ड के रेट 2800-3000 के करीब कम आ गया और नजीर नीचे आ गया। अच्छा यानी ऐसा करते हैं कि आज आप सिर्फ मीर साहब से प्रोग्राम करिए, एक विनिंग पार्टी है जो मौका ये हमें बताएंगे हमने क्या करना है, और पिछले 20 सालों से जो ये डिलीवर, देखिए अगर गोल्ड के रेट या डॉलर के रेट से उतार के तो उसमें मीर साहब का क्या काम है बोलने का, मेरा ख्याल है ये मुझे इतनी इजाजत होनी चाहिए, इतनी इजाजत मुझे होनी चाहिए ना। नहीं नहीं आपको इजाजत है। हाँ तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर अभी भी हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता 60-65 से 40 पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाऊंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए एक तो बड़ी अच्छी बात की KPK की, मिस तंजिला ने जिक्र किया नजर की बात की है, वो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, मेरा ख्याल में एक और नजर भी होती है जो लग जाती है, उसके लिए भी काफी पीर मौजूद हैं जो नजर उतारने के लिए बैठे हुए हैं। आप भी रख लें कोई पीर, खान साहब मेरे ख्याल से काम करना आप करने देना चाहिए वो काम, दूसरी बात ये है उनको ये एक्सक्यूज नहीं देनी चाहिए जैसे बाकी जमातों को मिली कि हमें काम नहीं कर दिया खान साहब ने। देखिए हम एक बहस कर रहे हैं जिसका कोई पॉजिटिव चाहते हैं, उसमें देखिए पहली बात ये है कि डॉलर की बात की, अभी तो गवर्नमेंट इनकी आई नहीं है, डॉलर कम हो गया तो उसमें इनका तो कमाल नहीं है, लेकिन बहरहाल आपकी गवर्नमेंट में डॉलर इंक्रीज था उसमें तो कमाल था, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अपना कमाल मानते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट अभी नहीं आई, गवर्नमेंट क्रिएट टेक कर है तो क्रेडिट उसको जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि इमरान खान साहब ने जो ये कहा कि
देखिए इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर है, उनका नाम है यू टर्न खान, हर बंदा उनको, अब आप देखें पिछले तीन दिन में इंटरनेशनल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, खान साहब के जो कार्टून आ रहे हैं, यानी जो उनका एक बहुत बड़ा इमेज था वो बड़ा हर्ट हुआ है। यानी मैं समझता हूँ कि एज ए ऑब्जर्वर मैं इनसे कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि मैंने इनको कहा कि तीन दिन के आप अखबार देख लें, डेली टेलीग्राफ, वाशिंगटन पोस्ट, उसमें जो कार्टून और आर्टिकल्स आए हैं, हाँ जी, किसी में अजीबो गरीब कार्टून हैं जो आपने देखे भी हैं, मीडिया पे चल भी रहे हैं, तो उससे यानी दुनिया की प्रेस ने ये इमेज दी है कि इमरान खान साहब की कामयाबी के पीछे कोई गैर मरई ताकतें थी, इस तरह के बहुत सी चीज़ें, उससे जो उनका इंप्रेशन है वो ख़राब हुआ है। तो ही हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज ए पपेट, तो ये अच्छी बात नहीं है। यानी अगर मेरा भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा कल को, जब वो अभी तो ये कह रही बन गए, अब तो नहीं बने, जब बनेंगे तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर होंगे जी, ये नहीं है कि वो सिर्फ इनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो पूरे मुल्क के होंगे, हम भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर समझेंगे। दूसरी बात इन्होंने जो मैंने कही, इसको इन्होंने तायद की कि ये जो बद तहजीबी और बद कलामी दुश्मनी इस तरह के व्यूज़ जो हैं वो कैसे हुए। देखिए इस मुल्क में इसका आगाज़ जो है धरने से हुआ है, इस मुल्क में पहली बार लोगों का तमस्कर उड़ाने का, उनसे बदतमीजी करने का, अखलाक से गिरी गुफ्तगू करने का जो अंदाज था वो इमरान खान साहब ने अपनाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर जब उन्होंने कल तकरीर की है तो अल्लाह करे कि जो उनका माजी था और अब की तकरीर है उसमें फ़र्क आ जाए, क्योंकि माशाल्लाह फर्क तो बहुत वाज़े नजर आया, अमली तौर पे नजर आएगा ना, एक स्पीच में और अमली तौर पे जो उन्होंने कहा है, मैंने तो पहले 24 जुलाई से पहले वाले इमरान खान साहब, हम दुआ कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सच्चा हो जाए, मेरी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उस पर अमल करें ताकि पूरी कौम उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो मैंने माजी के हवाले इसलिए दिए कि वो भी हमारी तारीख का और सियासत का हिस्सा है, उन्हें हम भूल नहीं सकते, इसलिए मैंने वो मेंशन किया। और साथ ये दुआ कर रहा हूँ कि इस उम्र में 68 ईयर्स की एज में जो वो कह रहे हैं वो कर दें। सही। फिजा में एक जुमला बस बोलना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने कहा कि 2013 में धरने के दिनों में जो मतलब एक कंटेनर से जो जुबान इस्तेमाल की गई उसने इब्तिदा की, मेरा ख्याल है 5 दिन पहले तक गधा कह के लोगों को, चले मैं थोड़ा सा याद दहानी करा दूं, जियाउल हक साहब की बरसी पे, पहली बरसी पे जो स्पीच नवाज शरीफ साहब ने की थी, शायद अगर वो किसी को याद हो, 40 साल पुरानी बात है, डॉक्टर साहब बात को एडमिट करें, 79 की बात है, तो ये फिर मैं यही बता रही हूँ ना कि ये दाग बेल वहां से डाली गई जब अपनी मुखालफों को कहा गया कि ये वो लोग थे जो कुत्ते नहलाने वालों के साथ खड़े थे। तो आप शायद भूल रहे हैं कि इस तरह की जुबान की इब्तिदा बहुत पुरानी हो गई थी, मैं डॉक्टर साहब पुरानी बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि सियासत में देखिए एक तरफ आप बात करते हैं कि एथिक्स के साथ चला जाए और जो चीजें उसको एडमिट किया जाए, अब आप इस चीज को एडमिट करने में आपको एज अ तजिया निगार आपको ये एडमिट करने में क्या कबाहत है, बस देख लें आपको, देखिए 70 साल पुरानी बात है, किसने शुरू की, आप कहते हैं ये जुबान सियासत में लाया कौन, डॉक्टर साहब बात मुकम्मल करें मेरे भाई, अच्छा चलिए बात मुकम्मल कर लेना, बीबी के हवाले से जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना, ये दाग बेल किसने डाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई पार्टी कभी थी नहीं, इस पार्टी को बने कितना टाइम हुआ, पहले दो जमातें कौन थी, ये दो जमातें थी और हमेशा बीबी को और नुसरत भुट्टो को क्रिटिसाइज किया जाता था, हम लोग कौन सी दो पार्टियों को जानते, इन्हीं दो पार्टियों को जानते थे, तीसरी पार्टी फॉर्म हुई तो इधर से कुछ लोग आए उधर से, दाग बेल जो डाली गई गुजरांवाले की हिस्ट्री में किस तरह गले में एक जानवर के लालटेन को गुरान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं तो ये वो तो तब्दीली की बात कर रहे हैं, ही शुड नॉट डू इट, मैं तो ये बात कतन नहीं कर रही कि करना चाहिए नहीं कर, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो फिर कहती हूँ नहीं करना चाहिए, अगर इतना भी करते हैं तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि इस चीज की दाग बेल खान साहब ने डाली ऐसा नहीं है, ये हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और पीएमएलएन ने ये काम शुरू किया। मीर साहब वो वक्त, अब जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कुत्तों को कुत्ते के ऊपर एक पीटीआई का झंडा लगा के उसे गोलियां मार देना, गधे के ऊपर नवाज लिखकर उसको मार मार के उसकी टांगे तोड़ देना, उसको खूनों खून कर देना, मर गया वो गधा भी मर गया, हाँ जी वो नहीं, एक का तो ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन जाहिर सी बात है वो फिर एक और एक जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सका, जानवरों को हम बख्श नहीं रहे हैं तो इंसानों के साथ तीर बर्दाश्त हम क्या, मतलब लिटरली हम जब, क्योंकि जिस वक्त की तंजीला साहिबा और ये भी जो बहस चल रही थी एक, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, आपको ये नहीं पता चलता था कि अवाम की राय क्या है या अवाम क्या सोच रही है, किस तर्ज पे सोच रही है, लेकिन अब बहुत वाजिया पता चलता है, मतलब खान साहब ने जब गधा कहा तो गधों को मारना शुरू कर दिया और सेम गोज फॉर नून लीग या किसी दूसरी जमातों के हमायती की पीटीआई के का झंडा जो है वो कुत्ते पे डाल के उसे गोलियां मार देना, मतलब ये तो इंसैनिटी है, हम लोग तो जहालत से भी आगे चले गए। देखें जी, इसमें मैं कोई
अपनी पार्टी की कोई तारीफ नहीं करने लगा। पीपल्स पार्टी इस सारी लड़ाई में ये जो एक्सट्रीम पे गई हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी बड़ी मॉडरेट रही है, ना ही इस किस्म का कोई वाकया हमारी तरफ से पेश आया। ये पीटीआई नून लीग के लोग जो है ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहे। लेकिन बात यह है कि जो सईद साहब और तंजीला भी बात कर रही थी कि जमहूरियत जो है वो एक ऐसी खूबसूरत चीज़ का नाम है जिसमें इमरान खान ने अपना नज़रिया दिया और वो आज जीत के आ गया, जिसको हम कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब पावर में आ गए। इसी तरह नवाज शरीफ भी इकतदार में आए, बीबी भी आई, पीपल्स पार्टी आती रही, और नीचे जो है वो आपके जो वर्कर्स हैं वो भी उसी तरह आपका आपकी एक आइडियोलॉजी लेकर चल रहे होते हैं। हमें चाहिए ये कि ये जो एक्सट्रीम व्यूज जो हैं अपने पार्टी के वर्कर्स को एजुकेट करें बाकायदा, फ्रॉम जिस तरह हमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अगर कोई वर्कर या कहीं कोई रिपोर्ट हो जाए, वो अगर किसी खातून के साथ कोई वाकया हो जाए, वो पताफी साहब के साथ वो हुआ ने कोई बात की नुसरत सहर बासी ने, तो वो आसफा ने और बख्तावर बीबी ने उसको उसका नोटिस लिया, तो जब तक टॉप लीडरशिप आपकी इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेगी ये चीज़ें ट्रिकल डाउन करती हैं और लोग समझते हैं कि यही पॉलिटिक्स है।